हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 45476। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की सब्जी। बहुत इजी रेसिपी है ये भी। इसको बनाने में भी 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिए मैंने आधा किलो भिंडी, तो इसको हम वॉश कर लेंगे, उसके बाद कट करेंगे। इसके आधा किलो के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 प्याज और 1 हरी मिर्च। तो भिंडी को इसमें हम वॉश कर रहे हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो घी का या रिफाइंड ऑयल का यूज़ भी कर सकते हो। मैं यहाँ सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे जो है भिंडी हमारी रेडी हो चुकी है कट करके, अनियन भी रेडी है और एक मैंने हरी मिर्च ली थी वो भी मैंने कट कर दी है, और तेल जो है वो गर्म हो रहा है। देख सकते हो कि तेल का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है, तेल जो है वो गर्म हो चुका है। तो इसमें जो मैं पहले 1 चम्मच ज़ीरा डालूँगी, तेल गरम हो गया था। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे जो जीरे के बाद मैं 1 सूखी मिर्च डाल रही हूँ, और अब जो है मैं अनियन कट किया था तो मैं थोड़ा सा अनियन जो है अभी डालूँगी और थोड़ा सा जो है बाद में डालूँगी। अब जो हम इसे मिक्स करेंगे, तेल प्याज को जो है हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, थोड़ा कच्चा कच्चा रखना है। तो प्याज हमारा रेडी हो चुका है। इसमें जो मैं 1 चम्मच हल्दी डालूँगी, यहाँ पे जो मैं 1 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, आधा चम्मच और डाल रही हूँ, और इसको जो है मिक्स करेंगे। फिर और 1 चम्मच जो है इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, इसको भी जो है मिक्स करेंगे अनियन में। तो हरी मिर्च को भी जो है हम डाल देंगे अब, और इसको भी जो है थोड़ी देर पकाएंगे। जो भिंडी थी हमने जो काटी हुई थी, भिंडी को हम डाल देंगे इसमें, क्योंकि हमारा अनियन जो है वो रेडी हो चुका है। तो हमने जो यहाँ पर भिंडी डाल दी है और इसको जो है अब हम मिक्स करेंगे। जो हमारा प्याज का मिक्सर है उसमें हम भिंडी को मिक्स करेंगे धीमी आंच करके, ढक्कन देके 5 मिनट तक जो हम इसे पकाएंगे। पहले धीमी आंच पे पहले हम इसे प्रॉपर तरीके से जो मिक्स कर लेंगे। मैं भिंडी में जो पहले बाद में नमक डालती हूँ, तो मैं अब जो 1 चम्मच जो है नमक इसमें डाल रही हूँ, और इसको जो है मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है और ये भी बहुत जल्दी मतलब झटपट बनने वाली रेसिपी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भिंडी सभी को पसंद है। भिंडी का मौसम अभी सीज़न स्टार्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन जब इसका सीज़न स्टार्ट होता है तो ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन भिंडी ही बनती है। भिंडी सभी को पसंद होती है, इसे हम चपाती के साथ भी खा सकते हैं और सिंपल परांठे प्लेन परांठे के साथ भी जो सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने थोड़ा सा प्याज रखा हुआ था कच्चा, वो मैं बाद में डाल रही हूँ अभी, क्योंकि ये इसका क्योंकि भिंडी में जो है कच्चा कच्चा प्याज है वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो ये मैंने बाद में डाल दी प्याज थोड़ा सा। जो हम इस प्याज को भी जो है भिंडी में मिक्स कर देंगे। ऑलमोस्ट ऐसे भिंडी बन चुकी है, रेडी है ये, बट मैं फिर भी इसको 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर फिर से जो है पकाऊँगी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, इसमें ना ही ज़्यादा मसाले यूज़ होते हैं और जल्दी भी बन जाती है। कुछ लोग दही वाली भिंडी बनाते हैं, कुछ लोग टमाटर भी लगाते हैं, बट मैं जो प्याज सिंपल भिंडी ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैंने जो भिंडी इसी से बनाई है। तो हमारी भिंडी जो है वो रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो ये बिल्कुल तैयार है अब।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।